इन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आप किसी मिस्टीरियस प्लेस के बारे में सुनते हैं तो आप उस जगह की मिस्ट्री के बारे में जानने में या वहाँ घूमने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और इंटरनेट में सर्च करने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आपको 20 ऐसी जगह के बारे में बताऊँगा जो रहस्यमय हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज फैक्ट्स। और आज हम बात करेंगे 20 मिस्टीरियस प्लेसेस इन इंडिया। नंबर 1, द स्केलेटन लेक। पहली जगह जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है स्केलेटन लेक। ये लेक उत्तराखंड के रूपकुंड शहर में है। कहा जाता है कि कुछ समय पहले रूपकुंड लेक का बर्फीला पानी पिघलने से 200 इंसानी स्केलेटन्स देखने को मिले। साइंटिस्ट ने जब इन स्केलेटन्स की जांच की तो पता चला कि ये करीब 1200 साल पहले के हैं। लोक कथाओं की माने तो ये स्केलेटन्स राजा जसधवा और उनके सहयोगी के हैं जो नंदा देवी को श्रद्धांजलि देने गए थे। श्रद्धांजलि के समय गाना और नाच करता देख भगवान को उन पर गुस्सा आ गया और भूस्खलन के कारण वो सब वहीं दफन हो गए। नंबर 2, करनी माता का मंदिर। ये मंदिर देशनोक टाउन में बना हुआ है। इस मंदिर के मिस्ट्रियस होने की वजह यहाँ रहने वाले चूहे हैं। इस मंदिर में 20,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं और चूहों का झूठा भोजन बहुत पवित्र माना जाता है जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। नंबर 3, रेड रेन इन इडुकी। बारिश तो आप सब ने देखी होगी, पर क्या आपको पता है इंडिया में एक जगह ऐसी भी है जहां बारिश का कलर रेड है। केरला के इडुकी डिस्ट्रिक्ट में रेड रेन जैसी अजीब घटना देखी गई है और ऐसा यहां 1986 के बाद कई बार देखा गया है। लास्ट टाइम ये रेड रेन 2012 में देखी गई है। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये उस जगह में पाई जाने वाली ग्रीन एल्गी की वजह से है। नंबर 4, मास बर्ड सुसाइड इन चतिंगा। क्या आपने कभी बर्ड्स को सुसाइड करते हुए देखा है? तो आइए आपको ले चलते हैं आसाम के चतिंगा गांव पे, जो कि बर्ड्स के सुसाइड के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि माइग्रेंट्स बर्ड का झुंड शाम को यहाँ आता है तो जिंदा नहीं बचता। बर्ड्स का यहाँ आना सुसाइड करना माना जाता है। खासकर सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 5, फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ लोकतक। ये फ्लोटिंग आइलैंड मणिपुर में है। लोकतक लेक की सतह पर तैरते ये आइलैंड आपको हैरान कर सकते हैं। कुछ आइलैंड के ग्रुप तो इतने बड़े हैं कि उन पर रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं। नंबर 6, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कुंभलगढ़ फोर्ट। आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना ही होगा, तो आपको बता दूं कि कुंभलगढ़ फोर्ट से 36 किलोमीटर दूर ये दीवार बनाई गई है जिसकी चौड़ाई इतनी है कि 8 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ये दीवार इंडिया की हेरिटेज साइट्स में से एक है। ये दीवार चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। लोगों की माने तो इस दीवार को किले के अंदर बनाए 3,000 प्रधान मंदिरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। नंबर 7, मलाना गांव। हिमाचल प्रदेश का मलाना गांव आपको हैरानी में डाल देगा। यहां के लोग खुद को भारतीय शासन से नहीं जोड़ते। इस गांव के लोग खुद को अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी सेना के वंशज मानते हैं। इस तरह वो खुद को दूसरों से बेहतर मानते हैं और आमतौर पर दूसरे लोगों के छुए जाने से बचते हैं। नंबर 8, ग्रेट बैनियन ट्री कोलकाता। कोलकाता में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन में ग्रेट बैनियन ट्री किसी रहस्य से कम नहीं है। ये बरगद का पेड़ आपकी कल्पनाओं से परे है, जो लगभग 2050 साल पुराना माना जाता है। इस बरगद के पेड़ को दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी माना जाता है। इस बरगद के पेड़ की जड़ें हवाई जंगल की तरह दिखाई देती हैं। इस पेड़ की जड़ें लगभग 17 से 25 मीटर ऊपर है। नंबर 9, मैग्नेटिक हिल। लद्दाख का मैग्नेटिक हिल किसी रहस्य से कम नहीं है। इस पहाड़ी पर कार अपने दम या बंद हुई अपने आप लुढ़कती हुई दिखाई देती है। इसके पीछे का कारण यहाँ पर मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स है। नंबर 10, कोडनी विलेज ऑफ ट्विंस। केरला का कोडनी गांव भारत की प्रमुख रहस्यमय जगहों में से एक है। आपने सीता गीता और जुड़वा जैसी फिल्मों के सीन तो देखे ही होंगे, ठीक उसी तरह आपको यहाँ जुड़वा देखने को मिलेंगे। यहाँ 2000 की आबादी में लगभग 350 जुड़वा जोड़े हैं। नंबर 11, लोनर कार्टर लेक। महाराष्ट्र में स्थित ये अनोखी झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है।
माना जाता है कि उल्कापिंड के टकराने से ज़मीन पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जो इस झील के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का जिक्र हमें प्राचीन साहित्य साकंद पुराण में भी मिलता है। नंबर 12, फ्लोटिंग स्टोन। आपने रामायण में लंका तक पहुंचने के लिए समंदर में बनाए गए पत्थरों के तैरते हुए पुल के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक वैसे ही पत्थर आज भी रामेश्वरम में पाए जाते हैं। इन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखा हुआ है और ये पत्थर पानी से भरे बर्तन में रखे जाने पर तैरते हैं। 13, लिविंग ट्री ब्रिज। मेघालय के चेरापूंजी में खासी और जंतिया जनजाति के लोग पेड़ों से पुल का निर्माण करते हैं। यहाँ के लोग पेड़ों की जड़ों और टहनियों को नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़कर पुल बनाते हैं, जिससे नदी के बीच एक नेचुरल पुल बन जाता है जो बहुत आकर्षक लगता है। नंबर 14, लेविटेटिंग स्टोन। मुंबई के शिवपुरी शहर के कमर अली दरवेश की दरगाह में 200 किलो का एक पत्थर है और इस पत्थर को तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक 11 लोग मिलकर इसे अपनी उंगली से ना उठाएं। इसके अलावा एक शर्त यह भी होती है कि पत्थर उठाते समय संत के नाम का जाप किया जाए, नहीं तो पत्थर नहीं उठ पाएगा। नंबर 15, फुक्तल मॉनेस्ट्री। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में बना फुक्तल मठ देखने में एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा लगता है। एक गुफा के अंदर बना ये मठ करीब 2500 साल पुराना है। इस मठ के सामने एक गहरी खाई है जिससे मठ तक पहुंचने वाला रास्ता काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बात सोचने वाली है कि 12वीं शताब्दी में इस मठ को किस तरह बनाया गया होगा। नंबर 16, डोरलेस हाउसेस। महाराष्ट्र के शनि शिगनापुर गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी कीमती चीज़ों को बंद नहीं करते। यहाँ माना जाता है कि भगवान शनि गांव की रक्षा करते हैं और उस इंसान को सजा देते हैं जो यहाँ गलती करने की कोशिश करता है। नंबर 17, हाइड एंड सीक बीच। आप एक शांत और शानदार बीच के बारे में हमेशा ही सोचते होंगे, लेकिन ओडिशा का एक बीच ऐसा है जो आपको हैरान कर देगा। ये बीच ऊंची लहरों की वजह से गायब हो जाता है और कम होने के बाद फिर से दिखाई देता है, इसलिए इस बीच का नाम हाइड एंड सीक बीच है। नंबर 18, हैंगिंग पिलर ऑफ लेपक्षी। आंध्र प्रदेश में बना लेपक्षी मंदिर एंशंट आर्ट का एक चमत्कार है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक खंभा बिना किसी सहारे के लटका हुआ है, जिसका कोई भी हिस्सा ज़मीन से नहीं लगता। स्थानीय लोगों की आस्था के अनुसार इस खंभे के नीचे से गुजरने वाली हर एक चीज़ से आपके जीवन में खुशियाँ आती है। 19, बैलेंसिंग रॉक। महाबलीपुरम की एक बड़ी सी चट्टान किसी रहस्य से कम नहीं है। ये 250 टन और 5 मीटर डायमीटर का बड़ा सा पत्थर एक चिकनी ढलान पर बिना हिले डुले खड़ा है। इसे कृष्णा की बटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 20, सोनिक बूम साउंड्स इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में एक हवाई जहाज जैसी आवाज़ें अक्सर सुनी जाती रही हैं। इन आवाज़ों की रहस्यमयी बात यह है कि ये हवाई जहाज़ के बनने से पहले से ही सुनी जाती हैं।